एलोन मस्क की बातों से जो ऑर्डिनरी लोग हैं वे भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हैं, मगर ये मुमकिन होगा जब वे खुद सचमुच ऐसा चाहते हो। 95% लोग अपने कमिटमेंट को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ का ही क्यों ना हो, अपना करियर, स्टडी और रिलेशनशिप। क्यों होता है ऐसा? या तो उनके पास बहाने होते हैं या उनके अंदर डिसिप्लिन की कमी होती है। अगर आप हर पल खुद को मोटिवेट रखोगे और पॉजिटिव चीज़ें करोगे तो वे चीज़ आपको खुद ब खुद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाएगी। ऐसा नहीं है आपको शुरू से ही रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए, आपको रोज़ कुछ एफर्ट्स देने होंगे तब जाकर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। एलोन मस्क का कहना है कि जब आप एक कंपनी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना है। हार्डवर्क का मतलब आप इससे समझ सकते हैं कि जब एलोन मस्क ने अपने भाई के साथ पहली कंपनी की शुरुआत एक छोटे से किराए के ऑफिस से की, वे उनके जीवन का बहुत मुश्किल वक्त था। वही ऑफिस में वे खाना खाते थे, वही सोफे पर सोते थे, सरकारी बाथरूम में नहाते थे। एलोन मस्क कहते हैं कि नए एक्सपेरिमेंट करने से मत डरो। उन्होंने जितने भी बिजनेस शुरू किए वे सभी रिस्क में थे। कोई नहीं जानता था उस समय पेपल को, स्पेस एक्स को। उन्होंने रिस्क लिए और आज रिजल्ट आपके सामने है। अगर क्या होता, वे भी उस समय फेलियर से डर जाते तो आज ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता। फेलियर से मत डरो, नई चीज़ ट्राई करने से मत डरो, लेकिन यदि आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हो तो यही टाइम है रिस्क लेने का, कि जब आप यंग हो। आप यंग हो तो आपके पास पूरी फ्रीडम है रिस्क लेने की, सोचने की, किसी बात को अच्छे से समझने की। अभी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। और जब आप रिस्क लोगे तब आप खुद ही नहीं, आपकी फैमिली भी रिस्क में होगी। इसलिए आज ही है जो सही टाइम है। आप आज ही रिस्क लो, कुछ ऐसा काम करो जिससे सबका फ़ायदा हो। अगर आप यंग एज में रिस्क लेते हैं तो आपको इसका कभी अफसोस नहीं होगा। एलोन मस्क ने रिस्क लिए तब जाकर आज वे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने हैं, जिन्होंने स्पेस एक्स, टेस्ला, न्यूरालिंक, पेपल जैसी कंपनियां बनाई। एलोन मस्क का एक नियम है, वे अपनी हर प्रॉब्लम्स को गहराई तक जाकर देखते हैं। वे अपनी स्पेस एक्स कंपनी के लिए रॉकेट्स बनाना चाहते थे। तब रॉकेट्स की मार्केट प्राइस सुनकर वे हैरान हो गए। 40, 50, 60 मिलियन डॉलर्स के रॉकेट, वे भी जिनको सिर्फ एक बार ही यूज़ किया जा सकता है। उन्होंने इसके लिए रिसर्च शुरू की, उस प्रॉब्लम्स की गहराई तक गए। उन्होंने सोचा कि रॉकेट्स किन किन चीज़ों से बनता है। उन्होंने अलग अलग रॉ मटेरियल्स की कीमतों को पता किया। इससे एलोन मस्क ने यह जाना कि रॉकेट्स की रॉ मटेरियल की कीमत पूरे रॉकेट्स के मार्केट प्राइस का मात्र 2% है। वह कहते हैं कि यह प्रॉब्लम से लड़ने की कोई नई टेक्निक नहीं है। यदि आप प्रॉब्लम्स की जड़ तक जाओगे तो आपको इससे लड़ने के अलग अलग तरीके भी मिलेंगे। लेकिन क्या होता है कि लोग ट्रेंड को फॉलो करते हैं। अधिकतर लोग वही पुराने तरीकों से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उससे वे अपना टाइम और मनी दोनों को बर्बाद करते हैं। लॉजिक से अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने का एक बेहतर एग्जांपल एलोन मस्क की स्पेस एक्स रॉकेट कंपनी है। एलोन मस्क के रॉकेट का एक फ़ायदा यह भी है कि उनके रॉकेट्स रीयूजेबल हैं। एलोन मस्क एक ऐसा नाम है जो अपने जुनून, कड़ी मेहनत और कामयाबी का प्रतीक है। एलोन मस्क ने हमें बताया है कि कड़ी मेहनत तो हर व्यक्ति अपने लाइफ में करता है, लेकिन हमें मेहनत और जुनून के साथ साथ एक नए आइडिया पर काम करना चाहिए। उनकी एक सीक्रेट थिंकिंग मेथड है, वह यह है कि थिंक यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। इसी मेथड से उन्होंने सफलता को पाया है। अगर वह भी पुराने तरीकों से सोचते और करते तो शायद आज वह भी इतने सफल नहीं हो पाते। एलोन मस्क अपनी नई सोच से आज यंग जनरेशन की इंस्पिरेशन बने हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके अपने विचार ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा और हाँ, लाइक करना ना भूलें। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है आप सभी के लिए ऐसे वीडियोस बनाने का। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। मैं पीयूष गर्गायन मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।